कृष्णा बूझे प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे प्रभु के सिमरन कृष्णा बुझे प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे प्रभु का सिमरन प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा प्रभु का सिमरन प्रभु का प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूरन आसा प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूरन आसा।
प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाह समाए अमृत नाम रिदमाह समाए Oh,
रब जी बसे हैं साध की रसना। नानक जन का दासन दसना, रब जी बस है साध की रसना। नानक जन का दासन दसना, नानक जन का दासन जन का दासन दसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन का सिमरन सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा। वाहे गुरु, वाहे गुरु, रब का सिमरन सब ते ऊंचा। रब का सिमरन उधरे मूचा, रब का सिमरन सब ते ऊंचा। इस सृष्टि में गुरु अर्जन देव जी महाराज पांचवें गुरु नानक की पंक्तियां उच्चारण कर रहे हैं कि इस सृष्टि में सबसे ऊंचा कुछ है तो वो है प्रभु का सिमरन। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इससे ऊंचा कुछ भी नहीं सिमरन। सिमरन एक अवस्था का नाम है, जो हम बोलते हैं उसे जाप कहते हैं। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ये होता है जाप। सिमरन रसना नहीं हिलती, आवाज नहीं आती, सुरति गुरु के चरणों से जुड़ी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रसना बोलती थी वाहेगुरु राम राम, वो अब हृदय में चलने लग जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे आदमी दुकान पे बैठा है, शादी में खड़ा है, भीड़ में खड़ा है, मेले में है, दुख में है, मैयत में है, कहीं पर भी है, उसकी लिव भीतर से जुड़ी रहती है निरंकार से। उस अवस्था को कहा है सिमरन। उसकी याद हमेशा बनी रहती है, हमेशा हर वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस अवस्था को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सबसे ऊंचा कहा है सृष्टि में। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सृष्टि में या नहीं दिखाई दे रहा, सबसे ऊंचा है प्रभु का सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये करता क्या है, हमारा विषय है सोचे सोच न हो गई, जय सोची लखवार। उसी से रिलेटेड है। कल जहाँ पर कथा बीच में छोड़ी थी, कल बीच में छोड़ी गई थी कथा, पॉइंट्स ले रहे थे कि गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितने प्रकार के तीर्थ हैं, किन किन को तीर्थ कहा है। कल चार पॉइंट्स डिस्कस हुए थे,
पांचवा बीच में छोड़ा था, सत्संगत। दास ने इसलिए छोड़ दिया कि कुछ घटनाएं दास बताना चाहता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि सिमरन कितना ऊंचा है। सिमरन की तो यहाँ हम तो यहाँ सिमरन की बात कर रहे हैं। प्रभु का नाम कोई जप भी ले रसना से उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई बोल के जप रहा है उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। सिमरन की तो बात ही कुछ और है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई दिखावे के लिए जप रहा है वाहेगुरु वाहेगुरु लोगों को अपने बस में करने के लिए, बाबा नंद सिंह जी के वचन उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, वचन किया करते थे, फिर से बात बीच में आ जाती है। ऐसे वैसा कोई टॉपिक ही नहीं जिसमें बाबा नंद सिंह जी के वचन याद ना आए। कई लोग हाथ में माला पहनी हो ना तो टोकते हैं कि दिखावा कर रहे हो, दिखावा है माला पहनना। बाबा नंद सिंह जी को किसी ने कहा था, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे इतने दिखावे करती हो जीवन भर, दुखी हो लोगों को सुखी दिखाते हो, गरीब हो लोगों को अमीर दिखाते हो, हर जगह रिश्तेदारी में दिखावा, दोस्तों में दिखावा, सारा जीवन दिखावे में बीत जाता है। एक नाम जपते वक्त दिखावा याद आ जाता है कि दिखावा नहीं करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे जहाँ इतने दिखावे करते हो हजारों, एक दिखावा ये भी कर लो, हाथ में माला पहन लो, क्योंकि इसे देखकर क्या याद आएगा गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वो दिखावा है अगर दिखावा करते करते तूने दिखाने के लिए जपना शुरू किया, एक दिन आएगा भीतर चलना शुरू हो जाएगा, ये दिखावा तेरा पार उतारा कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। पहले इसके थोड़े अर्थ समझ लें, भावार्थ शॉर्ट में, फिर प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे जहाँ कल छोड़ा था, क्योंकि एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है। दास चाहता है कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो दास ने कुछ साल पहले सुनाई थी और बहुत सारी संगत का जीवन पलट गया था, बहुत लोगों का नितनेम बढ़ गया था, तो दास का मन था वो छूट ना जाए, सही नई संगत बहुत जुड़ रही है, गुरु मेहर करे। आइए एक एक पंक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु का सिमरन सबसे ऊँचा, इसके अर्थ तो हमने समझ लिए। प्रभु का सिमरन उदरे मूचा, प्रभु का सिमरन उदरे मूचा। बहुत ज़्यादा जो विकारी पुरुष होते हैं उनका भी उद्धार कर देता है यह सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन तृष्णा भुजा, तृष्णा खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है, और की इच्छा कैसे जिसके हृदय में प्रभु का सिमरन शुरू हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सब कुछ सुजय। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में ये बात नहीं जाती, ये बात नहीं जाती, ये बात नहीं जाती। वाणी कहती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जिसके हृदय में सिमरन शुरू हो जाए ना, हर बात उसके दिमाग में जानी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग इतना तेज हो जाता है, गुरु नानक उसे श्रेष्ठ बुद्धि बख्श देता है। बाबा नंद सिंह जी अरदास में कहा करते थे, श्रेष्ठ बुद्धि बख्शो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, श्रेष्ठ बुद्धि वो दात है जो बात 100 बार बोलने पर भी किसी को ना समझ में आती, वो इतनी गहरी बात भी 1 बार सुनकर समझ में आ जाती है। भाव दिमाग इतना तेज हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्रभु का सिमरन सब कुछ सूझ, यहाँ का भी सूझ हो जाती है और वहाँ की भी सूझ हो जाती है। प्रभु का सिमरन ना ही जम त्रासा, जिसके पास सिमरन है जमदूत उसके पास नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, भाव मरने के बाद भी ये सिमरन तेरे साथ जाएगा। प्रभु का सिमरन पूरन आशा, प्रभु का सिमरन पूरन आशा। इसके अर्थ कई ये करते हैं कि सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं, एक्चुअली सच है। और इसका एक दूसरा पहलू है, प्रभु का सिमरन पूरन आशा, फिनिश हो जाती हैं आशाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पूरन आशाएं खत्म, निराश, अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय गुरु नानक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कुछ मांगने को दिल नहीं करता, ये अवस्था मिल जाती है। ये अवस्था किसकी होती है, जिसके पास सब कुछ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सिमरन उस खाली स्थान को भर देता है कि इंसान को लगता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय सिमरन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु के सिमरन पूरन आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए।
इसी मन की में जो मैल चढ़ी हुई है जन्मों से, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह, काला हो चुका है मन सिमरन से, ये मन शुद्ध हो जाएगा, मन की मल जाए, इसलिए सिमरन को तीरथ कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन को तीरथ का दर्जा दिया है प्रभु। कह सिमरन मन की मल जाए, जिस जिस युक्ति से मन की मैल उतरती है उसे गुरबाणी में तीरथ का दर्जा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत नाम रिदमाए समाए, फिर जिस दिन ये मैल उतर जाती है, पहले सिमरन मैल उतारता है, पहले पहले जब जाप करने बैठते हैं मन दौड़ता है, जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, पहले पहले जब कुछ लोग नाम जपना शुरू करते हैं थोड़ी तबीयत भी खराब होती है, पर वो डटे रहें बैठे रहें, एक दिन आता है मैल उतर जाती है, मन जुड़ना शुरू हो जाता है, और जो घबरा कर छोड़ देते हैं मैल और चढ़ती रहती है, बात वहीं की वहीं रह जाती, बिगड़ जाती है, बनती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर क्या होता है, जब मैल उतर जाती है, अब जब नाम जपा जा रहा है सिमरन, नाम हृदय में समा जाता है। जब तक मैल है नाम हृदय में नहीं समाता, सिमरन मैल उतारता है, जब साफ हो जाता है हृदय फिर उसमें नाम समा जाता है। पर अब कह सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिदमाहि समाए, प्रभु जी बसाए साध की रसना। कहाँ बसते हैं प्रभु? साधु की रसना पर, भाव साधु के साथ रहते हैं। साधु कौन? जिसने अपने मन को साध लिया हो, संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु जी बसाए साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि मैं साधुओं के जो दास हैं उनके दासों की संगत मांगता हूँ, प्रभु मुझे उनकी संगत बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की बात ही नहीं की, साधु के जो दास हैं उनके जो दास हों उनकी संगत बख्श दे, नानक जन का दासन दसना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना प्यारा शब्द है, हर एक पंक्ति में एक प्रकरण है। आइए कोशिश करें इस सिमरन की महिमा को समझने की, क्योंकि बात चल रही है सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। इतना मैला मन, इतना मैला मन, इतने इतिहास में प्रमाण है सत्संग जी, इतना मैला मन, हद से ज़्यादा पापी मन जो है दिखावे के लिए जपा हुआ नाम भी उनका जीवन पलट के रख देता है, मन की शुद्धि कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की महिमा अत्यंत, नाम तुल कछ अवर न होए। बाबा नंद सिंह जी बार बार ये वचन किया करते थे, जब कोई सेठ आता था ना उस जमाने में बिरला सेठ बाबा नंद सिंह जी के पीछे पीछे घूम रहा था कि मेरे पास 80 लाख दसवंध हैं, ले लो कहीं पे लगवा लो, कहीं पे लगवा लो। बाबा नंद सिंह जी जवाब ही नहीं देते थे, टाल देते थे। एक दिन कहने लगा कि मेरा भला कैसे होगा, आप मेरा दसवंध कहीं लगाते ही नहीं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे ऐसे तुझे बहुत साधु मिल जाएंगे जो नेक काम करते हैं, ये धन उनको जाकर दे दे, वो अच्छे अच्छे काम करते हैं वहाँ लगा देंगे, हमारे पास अगर बात करनी है तो केवल नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरुमुख नाम पावे जन को। इस सृष्टि में नाम के तुल कुछ नहीं है, गुरु नानक ने हमारी सेवा नाम जपने और जपाने की लगाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। आइए मिलकर गायन करें और फिर प्रकरण को आगे बनाते हैं। प्रभु का सिमरन, प्रभु का सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, प्रभु का सिमरन, प्रभु का प्यारी घटना ऐतिहासिक। ये घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी सुनाया करते थे। इस घटना को बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करनी हमने कि नाम की ताकत क्या है।
क्या है नाम की ताकत। ये बार बार मन को क्यों समझाना पड़ता है पता है, नाम की ताकत को। दास ने पहले भी कहा है, ये सुनेगा तो जपेगा, महिमा सुनता रहे कि नाम ये करता है, नाम ये करता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन अगर लिखे हैं यहाँ पर, गरीबी में जीना है, गरीबी में ही मरना है, लिखा गया है यहाँ पर कर्म के अनुसार। अगर संभाल लेता है अमृत वेला, उठकर जपने लग जाता है नाम, निरंकार को गरीबी काटनी पड़ती है, अपना लिखा हुआ बदलना पड़ता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। लिखा हुआ है एक्सीडेंट में मरना है, तड़प तड़प के मरना है, कैसे भी मौत लिखी हुई है। अगर अमृत वेला उठकर नाम जपता है, अन्यायी मौत लिखी हुई है, अमृत वेला उठकर नाम जपना शुरू कर देता है, वो बुरे लेख बदलने पड़ते हैं निरंकार को। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत कोई बखियान ही नहीं कर सकता, जितना मर्जी कर ले। बाबा महाहरनाम सिंह जी नाम की ताकत को समझाने के लिए बड़ी प्यारी घटना सुनाया करते थे, उनकी सुनाई हुई घटना दास सुनाने जा रहे हैं। राजमहल है, राजमहल में रानियां, रानियों को बाहर आने की इजाजत नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर सकते, सब ऐशो आराम अंदर राजमहल में हैं। उस राजमहल के बाहर जो बरांडा है, वहाँ पर एक माता झाड़ू मारती है कि कई सालों से पिछले, वो उसका काम है, उसके बदले राजा उसे तनख्वाह देता है। जो बरामदा है वहाँ पर एक माता झाड़ू मारती है, उस बरामदे की जो बालकनी है वहाँ पर वो रानियों का कमरा है। एक दिन माता की तबीयत खराब हो गई, उसने अपने बेटे को भेज दिया झाड़ू मारने के लिए। उसका पुत्र आया, जवान लड़का झाड़ू मार रहा है। रानी जो बहुत सुंदर, अति की सुंदर रानी राजा की, वो बालकनी में आ गई। उस जवान लड़के ने उस रानी को देखा, रानी ने देखा ये कोई दूसरा ही झाड़ू मार रहा है। थोड़ी देर खड़ी रहकर अंदर बाहर चली गई, बाहर खड़ी रहकर अंदर चली गई। अब ये लड़का, जवान लड़का जिसने इतनी सुंदर रानी को देख लिया, इसके मन में पाप पैदा हो गया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। वासना जाग गई, बुरी वासना। अब अत का गरीब है झाड़ू मारने वाले का लड़का, पर घर में जाके उदास बैठा है, खाना नहीं खा रहा, बीमार होते जा रहा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। माता पूछती है, कुछ जवाब नहीं देता। माता को फिक्र हुई, अच्छे से पूछा, बेटा बता क्या बात है, किस बात का दुख है तुझे। वो कहता है, मुझे रानी से शादी करनी है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। माता एकदम घबरा गई, कहने की कैसी बातें कर रहे हैं, राजा ने सुन भी लिया तेरा सर कलम करवा देगा, तुझे पता है रानी को देखने तक की इजाज़त नहीं, और तू कह रहा है कि तूने उसे शादी करनी है। वो कहने लगा, अगर मेरी उससे शादी नहीं हो तो मैं मर जाऊँगा। माता ने बहुत डांटा, बहुत समझाया, फिर आखिर में कहने लगा, चलो कम से कम एक बार मेरी उससे बात करवा दो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कि मैं उस रानी से बात कर लूँ थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए दसम ग्रंथ में, जो आज की यंग जनरेशन को समझने बड़ी जरूरी है, हम सबके लिए ही हैं, चाहे यंग हो चाहे कोई उम्र का हो, ये वचन बड़े जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे, पराई स्त्री का संग या पराई पुरुष का संग केवल शारीरिक संग नहीं होता, आंख भरकर देखना ये भी संग है, मन में पाप रखकर बात करना ये भी संग है, ये उसी दर्जे में गिना जाएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। छूना उसी दर्जे में गिना जाएगा कि प्राय स्त्री का प्राय पुरुष का संग किया है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत में गिना जाएगा ये, और बज्जर कुरैत हजार पाप एक तरफ, वो एक पाप एक तरफ, बख्शाना मुश्किल हो जाता है। गुरु तो बख्श देता है चाहे कितने भी पाप किए हों,
पर बख्शाना तो पड़ता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये वही कह रहा है कि मेरी कम से कम बात तो करा दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता ने देखा कि मेरा बेटा मर जाएगा अगर मैंने ये बात तक नहीं करवाई, तो रानी के पास गई, विनती की उससे, चरणों में गिर पड़ी कि हे महारानी, मेरे बेटे से एक बार बात कर लो, नहीं तो वो मर जाएगा। रानी सुनकर हैरान हुई, चुप रही, कहने की तुझे पता है कि मिल तो मैं सकती नहीं, कैसे मिलूं? राजा मिलने नहीं देगा, ना मैं जा सकती हूँ ना वो आ सकता है। वो नौकरानी कहने लगी, कोई रास्ता निकालो रानी, महारानी जी कोई रास्ता निकालो, मेरा बेटा मर जाएगा। तब रानी ने कहा कि ठीक है, एक रास्ता मैं बताती हूँ, अपने बेटे से कहना जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करे, एक समय आएगा राजा खुद मुझे भेजेगा उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रानी ने क्या रास्ता बताया? सत्संग जी बड़े ध्यान से समझना। रानी कहने लगी, अपने बेटे से कहना भगवे कपड़े पहन ले, गले में माला पहन ले, हाथ में भी माला पहन ले, करमंडल पकड़ ले हाथ में, शहर में जो चौक है पेड़ के नीचे बैठ जाए, वहाँ पर धरती खोद कर एक मटका भरकर पिनिया दबा ले। पिनिया ड्राई फ्रूट की बड़ी हैवी चीज़ होती है, एक दो खा लो तो पूरा दिन भूख नहीं लगती। वो मटके में गाड़ के ज़मीन में दबा ले और उसके ऊपर बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, राम राम करता जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, पखंड करने के लिए कह रही है रानी, दिखावा करने के लिए कह रही है रानी, कि दिखावे के लिए साधु बन जा। और कहने लगी, जब भूख लगे, जब अंधेरा हो, जब कोई ना दिखे आसपास, तो पिंजरा निकाल के खा ले, पर वहाँ से उठे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई कुछ रखे, चाहे कोई कुछ उठा के ले जाए, ये अपनी आंखें ना खोले, चाहे कोई बुलाए आवाज़ ना दे, जब तक मैं आकर ना बुलाऊं, इसने आंखें नहीं खोलनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने घर में जाके अपने बेटे से कहा कि रानी ने ऐसे कहा, वो तैयार हो गया उसी वक्त, वही सब किया जो रानी ने कहा था। गांव का चौराहा, पेड़ के नीचे बैठ गया पिनिया दबाकर, भगवा भेस, हाथ में माला, गले में माला, करमंडल, और लग रहा राम राम करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कर रहा है? दिखावे के लिए साधु बनकर राम राम कर रहा है। दिखावे के लिए मन में क्या है? पाप कि रानी से बातें करनी है, मन में वासना भरी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी को देखना है, रानी से बातें करनी है, मन में पाप भरा पड़ा है और मुख से कह रहा है राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वही हुआ जो दुनिया में होता है, पाखंड से दुनिया भरी पड़ी है, वही हुआ। लोगों ने देखा कोई बैठा है जो उठता नहीं, ना कुछ खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कमाई वाला कोई साधु लगता है, कुछ मांगता नहीं, कुछ बोलता नहीं, किसी की तरफ देखता नहीं, समाधि में लीन रहता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दो दिन बीते, जब रात होती आसपास देखता है कोई नहीं है, पिनिया निकाल कर खा लेता है, गड़वे में से जल पी लेता है और फिर बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
दो दिन बीते, लोगों ने माथा टेकना शुरू कर दिया, चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया कि ये तो कमाल का साधु है। चढ़ावा रखा है आगे, ये देखता ही नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने पैसे रखे, धन रखा, सामान रखा, इसने नहीं देखा, आंखें बंद है, जप रहा है राम राम। लोगों ने देखा ये तो बड़ा ही त्यागी है, कुछ भी रखो, इसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ना धन का लालच ना लोभ। कोई बुलाता है बोलते नहीं, केवल राम 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 राम। बात फैल गई, बात फैल गई, पहुंची राजे तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि बड़ा ही कमाई वाला साधु कोई बैठा है, आया है, जो अत का त्यागी है, समाधि में लीन है, अखंड समाधि है उसकी, ना कुछ खाता है ना उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा को जब मंत्री ने कहा, राजा ने सोचा ऐसे महापुरुष के तो दर्शन करने जाने चाहिए, हीरे जवाहरात के थाल ले लिए, साथ में सेना है, साथ में बहुत सारे मंत्री हैं। राजा जाकर खड़ा हो गया, कुछ दूर रुका, हीरे मोती के थाल लेकर आगे जाके आवाज़ दी, महापुरुषों आंखें खोलो और ये परवान करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये आवाज़ सुन रहा है राजे की, पर बोल कुछ नहीं रहा, ना ही आंखें खोल रहा है, क्योंकि रानी ने कहा था आंखें मत खोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आंखें बंद करके बैठा है, नहीं बोल रहा। राजा हैरान है, हीरे जवाहरात के थाल आगे रखे कुछ देर बैठा, पर ये कर रहा है कि बहुत बड़ा साधु हूं, आंखें नहीं खोल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान है कि ऐसा त्यागी साधु नहीं दिखा आज तक, हीरे मोती की तरफ नहीं दिख रहा। राजा वहां से चला गया, अपनी सेना अपने मंत्रियों के साथ वापस चला गया, बड़ा प्रभावित होकर गया। रात को अपनी रानी से कहता है कि बहुत पहुंचे हुए साधु महापुरुष आए हुए हैं, कल जाके तो उनके दर्शन करके आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी मुस्कुरा रही है मन ही मन कि ये सारा खेल तो मेरा रचाया हुआ है। राजा जिसे पहुंचा हुआ साधु महापुरुष समझ रहा है, एक नंबर का पखंडी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे देखने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए पखंड कर रहा है। अगला दिन हुआ, रानी तैयार हुई, अपनी साथ जो उसके सेवादार रहते उनके साथ गई। दिखावे के लिए उसने भी भेटा ली, अब दूर खड़ा कर दिया अपने जो साथ में आए थे, और खुद आगे जाकर खड़ी हो गई। ये घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये समझाने के लिए कि नाम की ताकत क्या है। अब रानी वहां जाकर खड़ी हो गई, कहती है मैं आ गई हूँ, आंखें खोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रानी ने आवाज दी, मैं आ गई हूँ, आंखें खोल, पर ये आंखें नहीं खोल रहा, ये क्या कर रहा है? राम राम राम। रानी कुछ देर खड़ी रही, फिर कहने लगी, भाई जिसका तो इंतजार कर रहा है, जिसके लिए पाखंड कर रहा है, जिसके लिए राम राम कर रहा है, मैं वो रानी आ गई हूँ, आंखें खोल, देख जो बात करनी है कर ले, फिर मुझे जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये
रानी के इतने कहने पर भी उसने आंखें नहीं खोली, समाधि नहीं तोड़ी। अब रानी चिढ़ गई, कहने लगी, आंखें खोलता है या तेरा पखंड मैं सबको बताऊं, जो तू मेरे सामने भी पखंड करने लग गया है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसने आंखें खोली, पर आंखें उठाकर रानी की तरफ देखा नहीं। सत्संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना इस घटना। अब इसने आंखें खोली पर आंख उठाकर रानी की तरफ देखा नहीं, आंख झुकाकर रानी के पांव पकड़ लिए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांव पकड़ लिए, सर रख दिया चरणों में, कहने लगी, आप मेरे गुरु हो, आप मेरी माँ हो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। रानी हैरान हुई, ये क्या बातें कर रहा है, तू मुझे देखना चाहता था, मुझसे मिलना चाहता था, तू मुझे अब माता कह रहा है, गुरु कह रहा है, क्या बात कर रहा है। कहने लगा, नहीं, मैं मानता हूँ मैं मन में पाप रखकर समाधि में बैठा था, दिखावे के लिए बैठा था, पर इतने दिनों में राम राम करते हुए मेरे मन की मैल सारी उतर गई है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो रस मुझे राम राम जपने में आया है, दिखावा करते हुए भी जो रस मुझे इस नाम में आया, आज तक ये रस मुझे किसी चीज़ में नहीं आया, अब मुझे सिवाय राम के नाम के कुछ भी नहीं चाहिए, और ये ज्ञान मुझे आपसे मिला है, इसलिए आप मेरे गुरु हो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी हैरान हुई, वो भी नाम की महिमा सुनकर हैरान हुई, वापस चली गई। ये घटना बाबा माँ हरनाम सिंह जी सुनाकर यहाँ पर रुककर बताया करते थे, कहते थे देखो, और ये वचन बाबा नंद सिंह जी भी बार बार किया करते थे, कहते थे जरा समझो, दिखावे के लिए जप रहा है नाम, पर उस दिखावे के जपे हुए नाम ने तब भी उसके मन की मैल उतार दी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, ये इतने सारे जो संत दिखाई देते हैं, सब होते थोड़ा है, कोई विरले होते हैं संत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, करोड़ों में कोई एक संत होता है। और कहते थे, दुनिया उनके पीछे भी उनकी सेवा करने के लिए पागल है, जो दिखावे के लिए जप रहे नाम की ताकत को समझो, जो दिखावे के लिए जप रहे हैं, जपा रहे हैं, दुनिया उनकी भी पूजा करती है, अगर कोई हृदय से जप ले तो क्या पालेगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। नाम की महिमा को समझो, नाम दिखावे के लिए भी जपा जाए तो भी हृदय में से मैल निकाल कर रख देता है, और कोई हृदय से जप ले तो क्या पालेगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ये पंक्तियां ही तो प्रमाणित करती है ये घटना झूठी कैसे हो सकती है, ये पंक्तियां यही तो कह रही है क्या। श्रवण कीजिए, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिदमाहे समाए, मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाए, मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाए, अमृत समाए।
का सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन सबते ऊंचा। यहां पर एक बात विचार करने लायक है सत्संग जी, विचारने वाली है, बहुत जरूरी है ये पॉइंट। दुनिया में धर्म स्थान भरे पड़े हैं और सत्संग भी हजारों स्थानों पर रोज होते हैं, लाखों करोड़ों की गिनती में लोग बैठे होते हैं, सत्संग सुन रहे होते हैं। भाव के धार्मिक कामों से दुनिया भरी पड़ी है, खास करके हमारा भारत। हर तरफ देखो धर्म ही धर्म दिखाई देता है, मंदिर भरे पड़े, मस्जिद भरे पड़े, गुरुद्वारे भरे पड़े, पर धर्म दिखाई नहीं देता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे हम। धार्मिक दिखावा बहुत है पर असल में धर्म पर चलते कितने लोग हैं गिनती के। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। रिश्वत लेते वक्त सब रिश्वत लेते हैं, क्या सुना सत्संग में? चोरी करते वक्त हाथ नहीं रुकते, क्या सुना सत्संग में? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कड़ा पहनाया था कि बुरा काम करते वक्त कड़ा देख के याद आ जाए, गुरु ने कड़ा दिया है, ये कड़ा देख कर याद आ जाए बुरा काम नहीं करना है, गुरु के सिख है, पर कौन रुकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विरले धार्मिक चैनल्स कितने हैं, कितने महापुरुष दिन रात प्रवचन कर रहे हैं, असर कहाँ क्यों नहीं हो रहा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ पर ये गलती हो रही है, कहाँ पर हम चूक रहे हैं? ये सवाल भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक पाशा से भी पूछा था कि पाशा, इतने लोग बैठकर प्रवचन सुनते हैं, जवाब करते हो, पर क्या ये सब नाम जपते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप शिक्षा देते हो कि नाम जपने की, नाम जपते हैं गुरु नानक पाशा कहते हैं कोई विरले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं फिर क्यों ऐसे है, क्यों असर नहीं होता? पॉइंट यहाँ पर ये सत्संग जी, ये दिखावे के लिए चार दिन के लिए बैठा राम राम करने के लिए, इसके मन की मैल उतर गई। हम कितने सालों से लगे हुए हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमारे मन की मैल क्यों नहीं उतर रही, इसके पीछे कारण क्या है? फिर ये समझना होगा, उस बात को भी समझना होगा कि उसने कैसे जपा, हम कैसे जप रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के जपने में और हमारे जपने में क्या अंतर है, ये अलग पहलू है। ये तो दिखावा करने के लिए जप रहा है, तो भी चार दिन में उसके दिल की मैल उतर गई, हमारी क्यों नहीं उतरती? इसका जवाब गुरु नानक पाशा ने दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते भाई मर्दाना क्या करें, सत्संग इंसान करता है थोड़ी कुछ समय के लिए, एक घड़ी, दो घड़ी, चार घड़ी, और बाकी पूरा दिन क्या करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन की महिमा क्यों है, सबसे ऊंचा क्यों कहें सिमरन को? क्योंकि सिमरन करना नहीं पड़ता, हो सिमरन होता है। ये एक अवस्था है जिसे प्राप्त हो जाए उसका 24 घंटे सत्संग ही चलता है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते हैं हमें विचार करने की जरूरत है, एक डेढ़ घंटा, दो घंटा, ढाई घंटे अगर सत्संग किया भी, बाकी पूरा दिन क्या करते हैं? क्योंकि वाणी कहती है जो हम ज्यादा करेंगे उस चीज से प्रभावित होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे हम करेंगे वही चीज बाहर निकलेगी, इसके बारे में वाणी क्या कहती है, श्रवण कीजिए। जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, जो पावे पांडे विच
वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचारा, क्या कोई करे विचारा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह उदाहरण दे रहे हैं, वाणी उदाहरण दे रही है कि बर्तन में जो चीज़ डाली जाएगी बाहर वही निकलेगी ना। मटका है, मटके में पानी डालोगे तो पानी निकलेगा बाहर, दूध डालोगे तो दूध निकलेगा, जहर डालोगे, शराब डालोगे तो शराब निकलेगी बाहर। अब बर्तन में ज़्यादा हम क्या डालते हैं, ये शरीर रूपी बर्तन में, सत्संग कुछ देर और बाकी पूरा दिन 24 घंटे में से बाकी 22 घंटे ढाई घंटे साढ़े जो भी जितना भी बचता है समय वो क्या करते हैं। जो चीज़ ज़्यादा करते हैं बाहर वही निकलती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत धर्म पर अगर चलना है तो मन को धार्मिक हर वक्त बनाकर रखना होगा। इसीलिए तो यहाँ पर अमृत वेले की वह महिमा है, अमृत वेले का जपा हुआ थोड़ा समय भी जीवन पलट के रख देता है अमृत वेले का। पर जपना कैसे है, उसने कैसे जपा, ना किसी से बात, ना किसी से मिलना, ना किसी की तरफ देखना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हम कमर में बंद होकर बैठ जाएं? नहीं, वाणी इसका भी तरीका बताती है कि देखना कैसे है, बोलना कैसे है। ये जो पौड़ी चल रही है ना, सोचे सोचे ना हो गई, ये सोचे लकवार चुप है चुप ना हो गई, ये इस एक एक प्रकरण को लेगी, एक एक पॉइंट को गुरु नानक पाशाह ने डिफाइन किया है कि देखना कैसे है, बोलना कैसे है, कितना बोलना है। एक एक चीज से हमारा मन प्रभावित तो होता है, इन छिद्रों को बंद करके ही अमृत संभाला जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी डिटेल है, ये पौड़ी है ना जो बड़ी कीमती है। अभी तक तो सोचा सोचे नौवी, जो सोचे लखवार के आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोशिश दास की रोज होती है, कल चुपे चुप नौवी लेंगे, पर मन करता है कुछ रह ना जाए, जितने दास को पता है कम से कम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पावे पांडे बिच वस्त सा निकले, क्या कोई करे बेचारा, कोई क्या करे। गुरु नानक पाशाह कहते हैं सत्संग जो इंसान करते हैं, अगर पूरा दिन उस पर विचार करें, भाव मन को सत। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जब संगत का भोग पड़ता था ना, कहते थे ये सत्संग का यहाँ भोग पड़ गया, मन में मत पड़ने देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भोग मत पड़ने देना, मन में सत्संग चलता रहे, विचार करता रहे वाणी की, चाहे कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर विचार कर रहे हैं, कोई अमृत ले बैठा है, नाम नहीं जप रहा, केवल गुरु नानक के बारे में विचार कर रहा है, वो सिमरन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही सबसे ऊंची अवस्था है कि ध्यान गुरु नानक के चरणों में चला गया, आंखों के आगे फिल्म चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है जागनते सुपना भला बसिए प्रभसंग, जिसके सुपने में गुरु आ जाए उसका सोना भला जागने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव गुरु में ध्यान जुड़ा रहे, चाहे नींद में हो चाहे जाग रहा हो, किसी भी प्रकार सुरती गुरु के चरणों से जुड़े रहे। उसे कहा है क्या, रब का सिमरन, रब का सिमरन, सबते ऊंचा, सबते रब का सिमरन, रब का सिमरन, सबते ऊंचा, सबते
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रब का सिमरन सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा। जिस प्रकार की घटना दास ने सुनाई है ना, जो बाबा महार नाम सिंह जी सुनाया करते थे, ऐसी एक और घटना है बड़ी कमाल की, जो ये प्रमाणित करती है कि नाम क्या करता है। चाहे कोई दिखावे के लिए ही क्यों ना जपे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मरदान वालों के समय की घटना है ये। संत करम सिंह जी होती मरदान वाले, वो महापुरुष जिनकी कबाई के बारे में एक छोटी सी घटना दास सुना कर आगे बढ़े। पागलखाना है, पागलखाने में पागल चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते, हंसते हैं। संत करम सिंह जी होती मरदान वाली वहां से गुजर रहे हैं, आवाज आई पागलों की, अपने साथ जो कीर्तनीय संगी हैं उनको साथ में पागलखाने में चले गए। पागलों की हालत देखी तरस आ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग से हिले हुए लोग जो सोसाइटी में रहने लायक नहीं, खतरनाक होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें पागल खाने में बंद कर दिया जाता है कि दिमाग हिल गया है इनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे ध्यान कितना प्यारा लॉजिक भी है साथ संगत। ये जो भी पागल होते हैं किसी न किसी फैमिली के मेंबर तो होते ही हैं, किसी के पति भी होंगे, किसी के बेटे भी होंगे, किसी के बाप भी होंगे, पर अगर दिमाग हिल जाए यही लोग घर से बाहर निकाल के पागल खाली में डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक कुछ मिल रहा है तब तक रिश्ता है, जब तक जिस दिन आप तकलीफ देना शुरू कर दो रिश्ता खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी तो बार बार कहती है इसीलिए फर्ज निभा, मोह में मत फंस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई। संत करम सिंह जी होती मरदान वाले, ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी, कोई पुरानी घटना नहीं है ये। कहते हैं वहां पर बैठ के इन्होंने कुछ देर कीर्तन किया, कुछ देर कीर्तन किया। किन्हों ने किया? संत करम सिंह जी होती मरदान वालों ने। क्या हुआ? डॉक्टर हैरान, सारे हैरान के सारे पागल शांत हो गए, शांत चुपचाप बैठकर कीर्तन सुन रहे हैं। ये कीर्तन की ताकत तो है ही, पर महापुरुषों की ताकत है, नाम जपने वालों की। दास ने पहले भी कई बार कहा है, बंदूक की गोली हाथ से मारो कितना चोट करेगी, वही गोली बंदूक में डालकर मारो सामने वाला मर जाता है। महापुरुषों ने नाम जप जप कर अपनी रचना को बंदूक बनाया होता है। जब उनके रचना से निकलता है वाहिगुरु, तो यहाँ पर भीतर जाकर चोट करता है। जितनी गहराई से आवाज़ निकलती है उतनी गहराई पर जाकर असर करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने कीर्तन किया, कुछ समय सारे पागल ठीक हो गए, सारे पागल। भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले ये घटना सुनाया करते थे स्टेज पर, और कहते थे हमने जब ये घटना सुनी हमने सोचा हम भी पागल खाने में जाकर कीर्तन करेंगे, पागलों को ठीक करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते एक पागल खाने वाले से बेनती की डॉक्टर से, उन्होंने कहा आ जाओ। हमने वहाँ पे कहने लगे डेढ़ घंटा कीर्तन किया। कहते हैं डेढ़ घंटे बाद मैं थक गया, मैंने कहा और नहीं कर सकता, इन्हें देखकर तो मैं ही पागल हो जाऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क क्या है? ये हरबंस सिंह जी की विनम्रता भी है और साथ में महापुरुषों की कमाई की बात भी है कि महापुरुषों की कमाई बोलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तुवाने वालों ने 20 मिनट सिर्फ कहा था कल की तरदे पुत्रो तियो अमृत पियो अमृत पियो, सारा पंडाल खड़ा हो गया था अमृत छकने के लिए। वरना 40 दिनों से कीर्तन या दिन रात कीर्तन कर रहे थे, गिनती के कुछ लोग तैयार हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या फर्क है? कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन महापुरुषों के समय की घटना। उस समय मरदान के इलाके में, होते में मरदान का इलाका, उस समय पठानों से बहुत गिनती में रहता था, पठान बहुत ज़्यादा रहते थे वहाँ पर। और पठानों में एक पठान था जिसका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसा पठान बताया गया है कि जो अपने साथ बंदूक वाली रखता था दिन रात,
और लोगों को लूटता था, जो मन में आए करता था, इतने ताकतवर था कोई इसके आगे खड़ा नहीं हो पाता था। जिसे चाहे लूट लिया, जिस लड़की को चाहे उठा लिया, जो चाहे किया, कोई रोकने वाला नहीं। पापों से भरा पड़ा इसका चरित्र। जो इसके अपने भी थे वो भी इसकी इससे नफरत करते थे अंदर ही अंदर, कि इतना बुरा इंसान, ना जाने कितने पापी मरे होंगे तो एक ये पैदा हुआ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अब्दुल गफार खान एक दिन बाजार में से गुजर रहा है, इसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मन में ऐसी वासना जागी, पापी तो पहले था, पाप और जाग पड़े। अपने नौकरों से कहता है ये मुझे चाहिए। नौकरों ने हाथ जोड़ दिए, भाई इसके बारे में बात मत करो। कहने लगा क्यों? कहने लगे ये फलाने पठान की बेगम है जो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पता भी चल गया उन्हें वो तुझे ख़त्म कर देगा। ये सुनकर हैरान हो गया कि वो पठान तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास मुझसे भी ज़्यादा लोग हैं। पर मन में पाप हावी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घर में चला गया, इसकी चार बेगमें हैं, चार शादियाँ हुई हुई हैं इसकी, पर फिर भी उदास बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप जाग गया कि वही चाहिए, वो बेगम मुझे अपनी बनानी है। उदास बैठा है, खा नहीं रहा, कहीं काम नहीं करने जा रहा, लूटने नहीं जा रहा, चुपचाप घर बैठा है। बेगमें आकर पूछ पूछ कर चली गई, सबको इसने भेज दिया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। इतिहास में लिखा है इसका एक मित्र कुछ दिनों बाद आया, जिसका नाम है रामदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने आकर पूछा, भाई क्या बात है? मुझे पता चला है तू खाना नहीं खा रहा, उदास बैठा है। इसने कमरा बंद करके इसे अपनी सारी बात बताई कि फलाने की बेगम मुझे अपनी बनानी है, तू रास्ता बता कैसे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये रामदास जो संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का शिष्य था, उनका संगी था, पर ना जाने क्यों उससे मित्रता थी पुरानी, मिलने चला आया नेत निरंकार की। ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा, भाई ये कैसी बातें कर रहा है, किसी की बीवी है वो, बेगम है, उसे तो कैसे अपनी बना लेगा, ये तो है ही गलत, है ही पाप का रास्ता, ना मुझसे पूछ ना मैं कुछ बताऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा, अगर मुझे वो बेगम नहीं मिली, उस फलाने पठान की बेगम मुझे अपनी नहीं बना पाया, मैं मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रामदास ने समझ लिया कि ये मेरे कहने से समझने वाला नहीं, पर महापुरुष संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास भेज देता हूँ। मन में सोचा कि वही सही रास्ता दिखा सकते हैं इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कमाई वाले, तो इसने कहा तेरा काम एक पूरा कर सकते हैं, महापुरुष हैं संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, फलानी जगह पर हैं, वहाँ पर चला जा, वो तेरी तुझे गाइड कर सकते, तुझे समझा सकते हैं क्या करना, मुझसे मत पूछ। ये चला गया। कहने लगे कभी मिलेंगे, कहने लगे अब तो रात हो गई है, अमृत वेले वो अपना सिमरन में बैठे होते हैं, जब सुबह होगी सिमरन से उठेंगे तो उनसे बात कर लेना। ये रात को ही चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले नदी के किनारे आसन में बैठे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं अपनी। ये दूर खड़ा हो गया कि जब उठेंगे तो मैं चरण पकड़ लूँगा। अब्दुल गफार खान, जिसने कभी नाम नहीं जपा, इसके बारे में लिखा है कि मुसलमान होते हुए भी ये कभी ईद के दिन भी मस्जिद नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तस्बीह होती क्या है, फेरते कैसे है पता नहीं, कभी कलमा नहीं पढ़ी, कभी नमाज अदा नहीं की, ऐसा मुसलमान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज चला गया संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। अमृत वेले का समय हुआ, समाप्ति हुई, जब संत करम सिंह जी ने समाधि खोली, इसने जाकर अपना सर रख दिया चरणों में, कहने लगा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होते मर्दान वाले संत करम सिंह जी पूछते हैं, खां साहब क्या बात है, क्या तकलीफ है बताओ। तो उसने महापुरुषों से साफ साफ कह दिया कि फलाने की बेगम है, मुझे बड़ी पसंद है, मुझे अपनी बनानी है, क्या करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी हैरान हो गए कि आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं की, साफ आके कह रहे कि फलाने की बेगम अपनी बनानी है, इतना पाप। संत करम सिंह जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, इसके हृदय में झांका आंखें खोली, कहने लगे
जो हम कहेंगे अगर तू करेगा तो तू जो चाहे हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू कर नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल काम है। गफार खान कहने लगा, आप खाली मुझसे कहो तो सही, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जितना भी धन चाहिए मुझसे ले लो, जो बेटा चाहिए ले लो, पर मेरा काम कर दो कि वो बेगम मेरी हो जाए। करम सिंह जी कहने लगे, नहीं हमें धन नहीं चाहिए, हम जो काम कहने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, तू कर सकेगा? हाँ कर तो बताए, नहीं तो बताएंगे भी नहीं। वो कहने का, वो करने से मुझे वो बेगम मिल जाएगी? करम सिंह जी कहने लगे, संत करम सिंह जी, वो बेगम ही नहीं, तू जो चाहेगा वो मिल जाएगा तुझे, पर वो तुझे जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा, अगर अपने मन की फिर नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये खुश हो गया, कहने का बताओ क्या करना है। संत करम सिंह जी ने क्या कहा ध्यान से सुने, कहने लगे आज की रात जो बीत गई सो बीत गई, अब कल जो रात आएगी तूने सोना नहीं है, 1 बजे के करीब उठ जाना, केसी स्नान करना, ये तुझे 40 दिनों के लिए करना है। क्या करना है? 40 दिनों के लिए 1 बजे उठ जाना, रात को केसी स्नान करना, स्नान करके अपने कमरे में बैठ जाना, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, बोलना बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लगे अपनी बेगम से कह देना, भोजन के लिए इशारा कर देना है, थोड़ी सी बात जितनी ज़रूरी है उतनी बात करनी है बस, किसी से मेल जोल नहीं, जितने भी कोई तुझे मिलने आए तूने नहीं मिलना, तूने कमरे में बैठे रहना है और तस्बीह फेरनी और अल्लाह अल्लाह करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज का वक्त हो तूने नमाज अदा करनी है मस्जिद में जाके, 5 वक्त नमाज अदा करनी है तूने, पर मस्जिद में जाकर किसी से बात नहीं करनी, कोई बुलाए कोई जवाब नहीं देना, और मस्जिद में जाकर भी नमाज के वक्त से पहले भी बाद में भी कोने में बैठकर अपने तस्बीह फेरते जानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए सात संगत जी कितनी बड़ी बात है, महापुरुषों ने ये नहीं कहा वाहिगुरु वाहिगुरु कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो जहाँ है वहीं जोड़ दिया कि मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज पढ़, उसके बाद घर में आ जा, तुझसे कोई कितना भी सवाल करे बताना मत कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और किसके कहने पर कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन भी तूने तस्बीह फेरते रहना है, फेरते रहना है, फेरते रहना, थोड़ा सा आराम करना है, जब भी नींद खुले जाग के बैठे तस्बीह फेरनी है, ना किसी से मिलना है ना कहीं बाहर जाना है। कर सकेगा? अब्दुल गफार खान कहने लगा, मुझे वो मिल जाएगी? कहने लगे, ये नहीं, जो चाहे मिल जाएगा, तू कर सकेगा? वो खान कहने लगा, हाँ मैं करूँगा। कहने लगे, फिर जा शुरू कर। ये हाथ जोड़कर चला गया, घर आया, किसी से बात नहीं कर रहा, चुप है। रात हुई 1 बजे उठा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान किया केसी, कपड़े पहने स्वच्छ, हाथ में पहली बार तस्बीह पकड़ी और बैठा है कोने में, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, बेगमें देख रही हैं इसको कि इसको क्या हो गया। ना किसी से झगड़ा, दिन में 10 झगड़े जब तक ना कर ले इसे चैन नहीं आती, हम पर ना चला दे चैन नहीं आती। और संत करम सिंह जी ने 2 बातें और कही थी, इन 40 दिनों में ना शराब, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, ना ही मांस खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना ही ये मांस मांग रहा है खाने के लिए, नॉनवेज नहीं खा रहा, शराब नहीं पी रहा, कोई गलत काम नहीं कर रहा, ऊपर से बैठ गया तस्बीह फेरने, दिमाग हिल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब पहली नमाज का वक्त हुआ 5 के करीब, ये गया मस्जिद में, सारे लोग इसे देखकर हैरान कि ये कभी ईद में भी मस्जिद में दिखाई नहीं दिया, ये क्या करने आ गया यहाँ पर, ये बैठा है वहाँ पर तस्बीह फेर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, देख रहा है, लोग हैरानी से देख रहे हैं, फिर चुप बैठा है। इसे नमाज अदा करनी नहीं आती पर अब नमाज अदा कर रहा है देख देख कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज याद करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों ने पूछने की कोशिश की, भर क्या बात है, यहाँ पर क्या है, सब ठीक है, सब खैरियत है, कुछ जवाब नहीं दे रहा, चुप। समय खत्म हुआ, वापस अपने घर पे आया, अंदर जाके फिर बैठ गया, फिर तस्बीह फेर रहा है, तस्बीह क्या फेर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह
क्यों कर रहा है? मन में पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि फलाने की बेगम को अपना बनाना है, वो ज़्यादा ताकतवर है, उसे छीन नहीं सकता मैं। अब कोई चमत्कारी हो वो बेगम मेरे पास आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बड़ा पाप है मन में, दिखावे के लिए नहीं और उसे पाने के लिए जप रहा है अल्लाह अल्लाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप, मुंह में अल्लाह अल्लाह। एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, चौथा दिन हुआ। चौथे दिन जब ये गया मस्जिद में, लोग इसके आगे सर झुकाने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब इसे सर झुका रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। आज तक किसी ने इसके आगे सर नहीं झुकाया, झुकाया है पर डर के। ये देख रहा है कि अभी झुकाने में डर नहीं, रिस्पेक्ट है इनके सर झुकाने में, एक अलग सा प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले लोग मुझसे डर कर सर झुकाते थे, अब प्रेम से झुका रहे हैं। चार दिनों में ये शांत बैठा है। लोग अब भी मुझसे पूछ रहे हैं कुछ लोग के क्या हुआ, ये कुछ बोलता ही नहीं, बेग में पूछ पूछ कर थक गई, एक दूसरे से बातें कर रही, इसको क्या हो गया है, पर खुश भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथा दिन है, लिखा है कि अमृत वेले बैठा है मस्जिद से वापस आकर, फिर से कलमा पढ़ रहा है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो मन में इसने विचार आया, मैल उतरनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में क्या सोचता है, मेरी चार बेगमें इतनी सुंदर अल्लाह ने मुझे दी, फिर मेरा मन उस बेगम के पीछे क्यों गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन से बातें कर रहे हैं, आंखें भरी भरी हुई हैं इसकी, क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों? ये जो नाम है प्रभु का, ये हृदय में से मैल उतारता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा समय बीता, दोपहर के समय हुई तो दरवाजा खटखटाया घर का। बेगम आके कहती, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं आपसे मिलने आए। ये हैरान है कि मुझसे कौन मिलने आ गया इतने लोग। बाहर जाके देखा तो बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद में आते हैं, उनके हाथ में फूलों की मालाएं उसके गले में डाली हैं सबने। सब सर झुका रहे, कहने लगे, हमने आपको समझने में भूल की, हम आपको कातिल, हम आपको बहुत बुरा आदमी समझते थे, पर बुरे तो हम थे जो आपको समझ नहीं पाए। आप तो कोई खुदा की करामात हो, फकीर हो, उसके वली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इबादत में डूबे रहते हो, ना किससे बात करते हो, ना कुछ लेना ना देना, ये अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा है, आंखें झुक गई इसकी कि मैं क्या सोच के कर रहा हूँ, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महिमा बताई जा रही है नाम की, साथ संगत जी बार बार दास हाथ जोड़कर बेनती करता है, मत आकर अपनी प्रॉब्लम्स बताया करो, नाम को पकड़ लो, नाम को अपनी प्रॉब्लम बताओ, सर्व रोग का औखद नाम। दुनिया में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हल नाम नहीं कर सकता, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, चाहे आत्मिक बीमारी हो, चाहे कोई डिप्रेशन में हो, चाहे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया हो, नाम को पकड़ लो, इतने हट करके इतना टाइट पकड़ लो, नाम सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम गलती कहाँ करते हैं, वो विचार भी आगे करेंगे। इतिहास में लिखा है, ये मन ही मन शर्मिंदा हो रहा है, कमरे में बैठा रोने लगा जोर जोर से। बेगम आके पूछ रही, किसी से कुछ नहीं कह रहा, शर्मिंदा है अंदर ही अंदर। अब इसकी भावना ये तो खत्म हो गई कि मुझे वो बेगम चाहिए चार दिनों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसने अब अल्लाह अल्लाह करना नहीं छोड़ा, ये नहीं भावना खत्म हो गई तो छोड़ दिया, नहीं, अब उसमें रस आने लगा इसे। इतिहास में लिखा है 11वां दिन था, रामदास उसका मित्र फिर से मिलने आया इससे, इसके पास बैठा, इसके बारे में सारी जानकारी जब उसकी बेगमों ने दी, बाहर से पता चला तो हैरान हुआ, शुक्राना किया मन ही मन संत करम सिंह जी होती मरदान वालों का, और उससे पूछने लगा मन की अवस्था क्या है अब। वो कहने लगा, मन की अवस्था तो ये है कि अब अपने पाप याद कर करके डर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने इतने पाप किए हैं, इतने लोगों को तकलीफें दी हैं, इतना पाप किए हैं, मैं कैसे बख्शा जाऊँगा, ये सोच के मुझे डर लग रहा है, अब मेरे लिए तो दोजख तैयार बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा, नहीं, वो बेगम के बारे में बता। कहने लगा, नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए, मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मेरे मन में ये ख्याल भी कैसे आया।
मुझे नहीं चाहिए अब मुझे अपने पापों से छुटकारा चाहिए। रामदास जी कहने लगे, जिन्होंने रास्ता बताया है उनके ही चरणों में चला जा, उनके शरण में चला जा, आगे का रास्ता भी वही बता देंगे। ये आपस में विचार कर रहे हैं, बाहर से एक बेगम आके कहती है इसकी कि फलाने पठान की बेगम आपसे मिलना चाहती है। ये वही बेगम जिसके बारे में इसके मन में बुरा ख्याल था कि इसे अपना बनाना है। फिर से बोलिए, धन गुरु नानक, बहुत सारी भेंटाएं लेकर आई और आपसे मिलना चाहती है। ये हैरान हुआ, चुप कर गया। रामदास भी पास खड़ा, चुप कर गया। गया बाहर, दरवाज़ा खोला, उसने अंदर आते ही उस बेगम ने जिसके ऊपर इसकी बुरी नज़र थी कि अपना बनाना है, वो कहती है कि हे वली, हे पीर, मेरे सर पर अपना हाथ रख ले ताकि मुझे भी बंदगी की दात मिल जाए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और ये जिसके मन में पाप था उसके प्रति, उसके सर पे हाथ रख के कहता है, बेटा तुझे खुदा बंदगी की दात बख्शे। कांपते आँखों से उसने सर पे हाथ रख के ये कहा, और वहाँ से अब्दुल गफार खान दौड़ पड़ा, कहाँ, संत अतर सिंह जी मस्त होती मर्दान, संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। संत करम सिंह जी कहने लगे, ये है नाम की महिमा, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है खुदा के नाम ने किया है। हमने तेरे मन में झांक लिया था कि अगर तुझे समझाएंगे बात तेरी समझ में नहीं आएगी, उस वक्त तुझे समझा सकता है केवल नाम। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, कि नाम की ताकत ही तेरा मन से पाप धो सकती है, और उसने किया। अब इसे छोड़ना मत, ये पांच वक्त की नमाज, क्योंकि मुसलमान को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उपदेश है कि मुसलमान कहने से केवल मुसलमान नहीं हो जाएगा। पंज नमाजा वक्त पंज, पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दुए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन, पंजवा सिफत सनाए, करनी कलमा आख कहे ता मुसलमान सदाए। अगर मुसलमान है तो ये गुण होने चाहिए, करनी हो प्रधान, कलमा फेरता हो, हक की खाता हो, हलाल की खाता हो, हराम की ना खाता हो, पांच वक्त का नमाजी हो, तो ही तू मुसलमान है, नहीं तो मुसलमान नहीं है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इसी प्रकार सिख को समझाया है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठा हर नाम ते आए। अगर तू सिख कहलवाना चाहता है अमृत वेले उठ के नाम जपेगा, वरना तू अपने आप को सिख समझता रहे। गुरु साहिब जी कहते, मेरे नज़रों में तू सिख नहीं है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठा हर नाम ते आवे, उद्यम करें पल के प्रभाती स्नान करें अमृतसर नाम है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठ के स्नान करते हैं नाम के सरोवर में, वो अमृत के सरोवर में स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना के पीछे अब विचार करने वाली बात है, पहले भी हमने सुना कि उस लड़के के मन से चार कुछ दिनों में ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अब्दुल गफार खान का हृदय परिवर्तन आ गया, चार दिनों में मन की मैल उतर गई, हमारी मैल क्यों नहीं उतर रही? अब इनके जपने में तरीका देखो, बाबा नंद सिंह जी जो वचन किया करते थे कि बेलोड़े मेल जोल को कम करो, महापुरुषों ने क्या कहा, नहीं मिलना किसी से। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। भाव जितनी जरूरत है उतना बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना। जितना जरूरत है उतना खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। जितना जरूरत है उतना सोना है, उससे ज़्यादा नहीं सोना। और एकांत में बैठना है, मन चित्र जोड़ के रखना है अल्लाह अल्लाह से। मस्जिद में भी गए किसी से बात नहीं करनी, हम गुरुद्वारे में आके क्या करते हैं? प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जो लोग कुछ पाना चाहते हैं चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि खड़े हो गए निंदा हो जाएगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। किसी ना किसी की निंदा या तो कर देंगे या तो सुन लेंगे, करना सुनना दोनों एक समान है। और अपनी की हुई कमाई गवा कर चले जाते हैं, सालों हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, खाली के खाली बैठे रह जाते हैं। किसी की बुराई भी कर लेते हैं, हमें उसमें कुछ बुरा नज़र नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो सच बोल रहे हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पर बाणी ऐसा नहीं कहती, ये हम अपने मन को समझाते हैं, हमारे ख्याल हैं, गुरु के नहीं। इसे मन मत कहते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं ना, सामने वाला गलत है इसलिए उसे गलत कह रहे हैं। बाणी कहती है, नहीं तू फिर भी चुप कर जा, तू चुप कर जा, तूने नहीं बात करनी किसी के बारे में गलत। क्यों? निंदा भली किसे की नहीं, ये नहीं कहा कि बुरे की कर ले, निंदा भली बुरे की नहीं, निंदा भली किसे की नहीं, मन मुख मुगद करन, मुंह काले ते ना निंद का, नरके कोहर पवन। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। हम निंदा करके अपना सब कुछ गवा लेते हैं। दास ने पहले भी कहा था, महापुरुषों के साथ दास रहा है, जब भी कोई आता था ना कि अमृत ले उठता हूँ, नाम जपता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, उसके बावजूद ही बात नहीं बन रही, कहते थे निंदा तो नहीं करता,
दो बातें पूछते थे कि अपने आप से पूछ लिया करो, निंदा तो नहीं करते, निंदा सुनते तो नहीं, चाहे कोई सच्चा हो चाहे झूठा हो, नहीं, दूसरा किसी का हक तो नहीं मार के रखा, किसी का देना है गरीब का, अमीर हो चाहे गरीब, किसी का हक मार के रखा है, जितना मर्जी कर लो फल बहुत थोड़ा रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और ख़ास करके किसी गरीब का, गरीब का हक मारा हुआ उसकी बद्दुआ ऐसे लगती है जो मर्जी कर लो प्रफुल्लित नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन दो चीज़ों से डरना चाहिए, डरना चाहिए, डर लगना चाहिए। क्यों? एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, शाम को सब गवाता जाए, गवाता जाए, मूर्ख ही कहेंगे ना, हम उन मूर्खों में से हैं। पूरी रात जाकर मेहनत करते हैं, सुबह सब गवा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन है कि इन्होंने टिक कर नाम जपा, किसी की बुराई नहीं की, चार दिन भी अगर नहीं की तो भी बात बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी देखिए, दास को प्रकरण लेना था पूरा 8 पॉइंट्स, कल का पॉइंट ही नहीं खत्म हुआ, 1.5 घंटा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार इशारा कर रहे हैं कि टाइम हो गया है, क्योंकि आधे पौने घंटे का सिमरन भी होता है, सवा छः, फिर अनंत साहब जी, चौपाई साहब जी, अनंत साहब जी, होगा 9:30, 6:30 हो जाते हैं, इससे कितना लेट करे, 2:15 शुरू होता है, लोगों के नेट खत्म हो जाते हैं। इसलिए दास ने विनती की थी कि नेट रिचार्ज करवा लो यादा, जहाँ इतने खर्चे करते हो ना थोड़ा और कर लो, यहाँ कुछ बचा कर भी ये कर लो, क्योंकि ये जीवन बदल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन होता है कि अगले दिन लेंगे, चुपे चुप ना हो गई, पर फिर सोचा सोचने हो गई, ख़त्म ही नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मेन बात, मकसद तो ये है, पॉइंट कोई भी हो, हमें जीवन जीने का रास्ता मिल रहा है, नाम की ताकत को पहचान लो, बस सारी वाणी का आधार ही तो ये है, सारी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी का सार ही ये है, नाम। ये सारे अर्थ कर लेंगे श्री जपजी साहब का, आखिर में बात क्या निकलनी है, नाम, नाम, नाम। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, रब का सिमरन, रब का सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, सब ते ऊंचा, रब का सिमरन, रब का छोटी सी बात कहकर दास समाप्ति करेगा। बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारे, और उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है जो यंगस्टर्स की अक्सर होती है कि काम वासना बहुत हावी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब नाम जपते हैं तो काम वासना तंग करती, समाधि नहीं लगने देती, गुरुद्वारे में आके भी आँख मैली रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करें, क्या करें, ये सारा प्रकरण उनके लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जैसे लोगों के लिए है सारा प्रकरण, बड़े ध्यान से समझना। काम वासना क्या करती है, हमारे मन में
पाप पैदा करती है। सबसे पहली जुगति जो दास को महापुरुषों ने बताई थी कि जब भी ऐसे काम वासना हावी हो जाए, गलत विचार मन में आने लगे, तो कहते थे पांच स्नान करके बैठ जाओ हाथ पैर मुंह धो के और मूल मंत्र शुरू कर दो। कहते थे जोर से धन बाबा दीप सिंह जी, 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 पांच बार कह के मूल मंत्र शुरू कर दो। कहते थे बस में आ जाएगी काम वासना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अपना कर देख लो। और वैसे भी ये बीमारी हमें लगी हुई है, तभी तो नाम जपने के लिए कह रही है, दवाई है नाम। जैसे ही जपते जाएंगे, जाप बढ़ता जाएगा, समय बीतता जाएगा, ये दबती जाएगी और एक दिन आएगा कंट्रोल में आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो, इसे छोड़कर मत बैठ जाओ। मन विचलित हो रहा है उससे लड़ो। इसी को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है, खालसा सोए जो करे नित जंग। मन में युद्ध चलता है खालसा के। मन कहता है गलत काम कर ले, पर गुरु की शिक्षा कहती नहीं लड़ इससे, नहीं मैं नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख हूं, मैं गलत काम नहीं करूंगा। लड़ने को कहा है, लड़ने के बाद अगर हार भी गए ना तो भी लड़ने वाले पे दोष नहीं उठता, पर लड़े तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सीधा अपने आप को हवाले न कर दे गलत काम के। पहले लड़े, युद्ध करे, गुरु का हुक्म माने। युद्ध कैसे करना है? नाम से। श्री जपजी साहब जी की वाणी शुरू कर दो, किसी वाणी का आसरा ले लो। महापुरुषों ने मूल मंत्र कहा है तो दास मूल मंत्र कह रहे, चाहे कोई राम नाम का आसरा ले ले। असल में मकसद है उस वक्त मन को उल्टा जोर जोर से नाम जपाना। क्यों? जब घर में चोर घुसे, घर में जो रहता है जोर जोर से चिल्लाने लग जाए तो चोर भाग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन पे हावी होने लगे, जोर जोर से वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु इंसान करने लग जाए, ये मन में करने लग जाए, कहीं बैठा है तो मन में युद्ध करने लग जाए उससे, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? नाम के काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, बाकी गुरु नानक ही मेहर करे, क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज़ है इस संसार में। इससे कोई विरला बच पाया है, विरला। जन नानक उत्तम कार्य विरले के इंद्रिय जित पंच दोखते रहे तो नानक कोट मदे को ऐसा अपरस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभ का सिमरन, प्रभ का सिमरन, सिमरन उदरे ऊंचा, रब का सिमरन, रब का सिमरन, सब ते ऊंचा, सब ते
प्रभु के सिमरन उधरे प्रभु के उधरे प्रभु के उधरे मूचा प्रभु के सिमरन उधरे मूचा प्रभु का सिमरन सिमरन प्रभु का सिमरन सिमरन सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते ऊंचा सब ते